हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल M.Ed। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हल्की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है M.Ed के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से। बाकी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स में, CTET में, BEd में, DLed में, हर एक जगह है, ठीक है। तो आपके किसी भी कोर्स में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, तो जल्दी से देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी है, सजेशन है, फीडबैक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलो, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी क्लार्क एल हल ने 1930s के आसपास, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये थ्योरी 1930s में उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं थी। ये फेमस कब हुई? 1940 में और 50 में, इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी हुए, और ये खुद भी बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। इवान पावलो से, जॉन बी वॉटसन से, थॉर्नडाइक से, एडवर्ड टॉलमैन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, और ये ग्रैंड थ्योरी देना चाहते थे साइकोलॉजी की फील्ड में, लेकिन दे नहीं पाए, ठीक है। और बहुत सारे वर्क्स इनके ये भी बताते हैं कि ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी इन्होंने दी थी जब ये येल यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और बेसिकली ये थ्योरी बताती क्या है? ये थ्योरी बताती है कि किस तरह से ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए जो भी हम बिहेवियर करते हैं वो मोटिवेशन का एक प्राइमरी फोर्स है या बेसिक फंडामेंट है मोटिवेशन के लिए। मतलब हमें प्रेरित क्या करता है? जो भी हमारे अंदर ड्राइव है और उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी हम बिहेवियर करते हैं वो ही मोटिवेशन के पीछे एक प्राइमरी फोर्स है या फैक्टर है, ठीक है। सारी थ्योरी इनकी इन्हीं पे है कि जो भी ड्राइव है, ड्राइव ज़्यादा हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोई काम करते हैं ताकि जो हमारी ड्राइव है वो रिड्यूस हो सके, जैसे कि नाम में ही है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो इनके अकॉर्डिंग ड्राइव को कैसे डिफाइन किया इन्होंने? ड्राइव क्या है? एक स्टेट ऑफ अराउजल है, मतलब जो भी उत्तेजना की स्टेट है वो है, और वो कैसे आती है? वो एक्टिवेट होती है बायोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग। अब बायोलॉजिकल नीड में क्या क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल नीड में हो सकता है भूख लगना, प्यास लगना, है ना। सेक्स की नीड भी क्या है? बायोलॉजिकल नीड है। तो जब इसका होम्योस्टेटिस अफेक्ट होता है, होम्योस्टेटिस एक स्टेज है या एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी काम करती रहती है कि वो पर्टिकुलर चीज मेंटेन रहे, और जब वो मेंटेन रही नहीं रहती है तो ड्राइव उत्पन्न होती है। ड्राइव क्यों उत्पन्न होती है? ताकि वो स्टेट बैलेंस आउट हो सके, समान हो सके। तो जब ड्राइव उत्पन्न होगी तो ये हम कोई बिहेवियर करेंगे, है ना, ताकि वो ड्राइव रिड्यूस हो सके। तो इनकी थ्योरी यही है। तो बेसिकली इन्होंने कहा क्या था कि जो भी बायोलॉजिकल ड्राइव हैं वो अराइज होती हैं होम्योस्टेटिस के चेंज होने पे। होम्योस्टेटिस जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, होम्योस्टेटिस क्या होता है? बॉडी कुछ ना कुछ काम करती रहती है कि सभी चीज़ें मेंटेन रहें। जैसे टेम्परेचर है बॉडी का 37 डिग्री रहता है हमेशा, है ना। जैसे आपको ठंड लगती है तो हमारी बॉडी सीवर करने लगती है। तो सीवरिंग क्या है? वहाँ पे रिड्यू जो भी ड्राइव उत्पन्न हुई है बॉडी को गर्म करने के लिए, उसके लिए बॉडी सीवर कर रही है ताकि वो पर्टिकुलर ड्राइव रिड्यूस हो सके, ओके। पीएच ऑफ ब्लड 7.4 रहता है तो उसके लिए किडनीज अपने आप काम करने लगती हैं आयंस को एक्सचेंज करके या एक्सक्रिएट करके, ताकि ब्लड का पीएच 7.4 बना रहे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब होम्योस्टेटिस को आप डिफाइन कर सकती हो कि बॉडी लगातार काम करती रहती है एक समान सा एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए, और जब ये एनवायरनमेंट नहीं बन पाता तो वो एक्ट करता है ड्राइव की तरह, उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए हम कोई काम करते हैं या बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मोटिवेशन के पीछे क्या बेसिक फैक्टर है, क्या प्राइमरी फोर्स है? रिडक्शन ऑफ द ड्राइव। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लेना। तो चलो, अब ये थ्योरी काम कैसे करती है? तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जब भी ड्राइव हिट करती है हमें, हमारी बॉडी में डिमांड होती है ऐसी, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं अनप्लीजेंट स्टेट।
सपोज आपको प्यास लगी है तो आप बिल्कुल अनप्लेजेंट हो जाओ ना कि गला सूख रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या है, अनप्लेजेंट स्टेट है, अनइंजॉयबल एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, जैसा कि स्किनर ने कहा था, है ना। और आप इस ड्राइव को या इस टेंशन को रिड्यूस करना चाहोगे। ऑफकोर्स आपको प्यास लगी है या हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीना चाहेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम पानी की तलाश करेंगे, और अगर हंग्री हैं भूखे हैं तो फूड की तलाश करेंगे, और जब हम पानी पी लेंगे तो ऑफकोर्स हमारी ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी बिहेवियर हैं जो हमारी ड्राइव को रिड्यूस करते हैं वो रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव रिवॉर्ड जुड़ा है। अब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, तो इनकी थ्योरी में क्या है, सभी साइकोलॉजिस्ट की झलक दिखती है। ड्राइव उत्पन्न हुई, ठीक है, उस ड्राइव को करने के लिए हमने कोई बिहेवियर किया, ठीक है, और अगर इस पर्टिकुलर बिहेवियर से वो ड्राइव शांत हो गई तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वही बिहेवियर हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे, या जब भी हमें उस पर्टिकुलर ड्राइव को रिड्यूस करने की ज़रूरत होगी वही पर्टिकुलर बिहेवियर हम करेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है पॉजिटिव रिवॉर्ड। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलो देन पढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी कि जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्यों खाते हैं, या कई बार हम भूखे नहीं भी रहते हैं, हम हंग्री फील नहीं करते तब भी हम खाना खा लेते हैं। सपोज करो आप कहीं घूमने गए हो, आपका मन कर गया, तो आप हंग्री नहीं फील कर रहे हो लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ तो खा ही लोगे ना, तो वो क्यों होता है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया। और क्या कहा इन्होंने, और क्रिटिसिज्म मतलब क्या है कि जैसे स्काई डाइविंग करते हैं, बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे तो कोई बायोलॉजिकल नीड नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटीज क्यों करते हैं फिर लोग, उसके बारे में भी हल ने नहीं बताया, या बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इन एक्टिविटीज़ के पीछे फिर क्या फैक्टर्स हैं। चलो देन क्या है कि ये थ्योरी आजकल बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको एज ए बेस स्टडी, बेस की तरह माना, या पायनियर स्टडी थी, बेसिक स्टडी आज ना यूज होती हो, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करके आगे की अपनी स्टडीज करी, ठीक है, अपने काम दिए। फिर इसमें अब्राहम मैस्लो भी इंक्लूड हैं, ये इनके काम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी है कि किस तरह से ड्राइव आती हैं, किस तरह से वो रिड्यूस होती हैं, अगर इससे हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला है, मतलब ये पर्टिकुलर बिहेवियर इस पर्टिकुलर ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए अच्छी है, तो वो फिर एक्टिविटी, वो बिहेवियर हम करेंगे, और उसके पीछे और मोटिवेशन के पीछे फिर यही ड्राइव रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ ड्राइव एक्ट करता है मोटिवेशन के पीछे एज ए प्राइमरी फोर्स या प्राइमरी फैक्टर। ओके, तो ये रेफरेंसेस हैं, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।